उत्तर प्रदेश सरकार की लाख कोशिश कर ले मगर भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत का दावा करती है, वहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपने कमीशन के चक्कर में मरीजों से बाहर के मेडिकल दवाइयां स्टोर से मंगवाते हैं। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर का है, जहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के ददुआ का है, जहाँ पर पर्चे पर दवा लिखकर मरीज से बाहर से दवा मंगवाई जाती है। यही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में दीवार को तोड़कर बालकोनी भी बनाई गई है, जिसमें मरीज आसानी से बाहर के मेडिकल स्टोर से दवा ला सके। आप इस खबर में लगी हुई वीडियो में देख सकते हैं कि मरीज कैसे दवा खरीद रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गर्मी में उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए ORS का घोल बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो हर सरकारी अस्पताल में है। मगर फिर भी डॉक्टर द्वारा ORS की जगह इलेक्ट्रॉल पाउडर को मरीजों द्वारा मंगवाए जाते हैं, जिसको लेकर लगातार हम खबर भी चला रहे हैं और दिखा रहे हैं। और हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार अस्पताल के मरीज बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहे हैं। बाहर से दवा लेकर आ रहे हैं? उधर नहीं मिला तो फिर बाहर से। हॉस्पिटल में नहीं मिला? नहीं मिला, बोला कि बाहर से। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला वहाँ मिलेगा, वहाँ गए तो बोलते नहीं है, बाहर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100% दवाई अस्पताल से दिए जाने के निर्देश है। मेरे हॉस्पिटल में संबंधित बीमारियों के सारी दवाई उपलब्ध है। यदि किसी को दवाई कोई भी यहाँ का कर्मचारी खरीदते हुए बताता है तो हमसे बताए, कार्रवाई के लिए प्रेषित। कुशीनगर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।